वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि ये वन शॉट वीडियो है, नो कट नो एडिटिंग। मैंने तो बैकग्राउंड साउंड भी रख दी। कल कुछ टमाटर मैंने तोड़ ली, फिर अचानक ख्याल आया कि क्यों ना एक छोटी सी वीडियो किया जाए। ये टमाटर जो है ये मैंने नहीं लगाई, अपने आप ही हो गए। अगर बिना केयर, बिना खाद, बिना देखभाल से ऐसी होती है तो केयर करने पर बहुत कुछ हो सकता है ना? सच मानिए, मैंने कुछ भी नहीं की, बस ये पौधा अपने आप चल रहा था तो उसे बस मैंने एक स्टेकिंग की थी। सर्दियों में शायद किचन वेस्ट मैन्योर से हो गई है। अगर आपको ऐसे चाहिए तो कुछ नहीं, एक सड़ी हुई या फिर अच्छी वाली टमाटर उसकी बीज मिट्टी पे लगा डालिए, पानी मत दीजिए, मिट्टी को सूखा रखिए कुछ दिन, तो खुद ब खुद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करनी। वैसे तो दिसंबर पे मैंने ये पौधा देखी थी तो मैंने उस वक्त छेड़छाड़ नहीं की, और भी इधर उधर बहुत सारे होते रहते हैं, मैंने उतार के फेंक दी। अब सोच रही हूँ अगले सर्दियों में टमाटर, धनिया, कैप्सिकम और मिर्ची लगाऊंगी। यहाँ पर देखिए, और एक मेरे मिर्ची के पौधे हैं, यहाँ पर मिर्ची भी हो रहे हैं, और मैंने प्लास्टिक के कुछ पैकेट्स लिए हैं, उस पे मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर कैप्सिकम के पौधे लगाए हैं। कुछ नहीं, बस कैप्सिकम के सीड्स आप मिट्टी पे डालिए तो ऐसे छोटे छोटे सैपलिंग्स हो जाएंगे, फिर उसके बाद सैपलिंग्स को उतार के आपको प्लास्टिक के पैकेट्स में ऐसे उनको अलग कर दीजिए। और ये सब पौधे को बहुत धूप चाहिए होता है। आप भी टमाटर, कैप्सिकम, मिर्ची के बीज छिड़क दीजिए और भूल जाइए, पौधे अपने आप ही हो जाएंगे, कुछ नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर जो पौधे हैं मैंने बहुत कम या फिर बोल सकते हैं बिल्कुल मेंटेन नहीं करती हूँ। यहाँ पर ऑटो वाटरिंग होती है, पूछिए कैसे, बारिश से दोस्तों, बारिश तो रुकती ही नहीं। ये मेरे विंटर फ्लावर्स के एरिया है, बहुत सारे विंटर फ्लावर्स के वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।